हाय एवरीवन, वेलकम टू बीकेपी जॉब्स। सो आज मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट हायरिंग्स लाया हूँ एंड टीसीएस एंड विप्रो की तरफ से अपडेट्स लाया हूँ आप लोगों के लिए कि उनका आज इंटरव्यू राउंड हुआ था तो क्या क्या क्वेश्चन आस्क करेगा एंड विप्रो ने अपना और टीसीएस ने रिजेक्शन मेल भेजना चालू कर दिया, तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। सो लेट स्टार्ट आर वीडियो। सो हम फर्स्ट हायरिंग दिखाए तो अपनी हमारा जो फर्स्ट हायरिंग है वो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है आपका फॉर द रोल ऑफ पाइथन डेवलपर रोल। लोकेशन जो रहेगी इंटरव्यू की वो पुणे लोकेशन है एंड 0 to 2 years एक्सपीरियंस मीन्स फ्रेशर टू 2 years लाइक आर 2022-23-24 बैचेस आर एलिजिबल फॉर दिस एंड 3 to 5 LPA होगा आपका सैलरी जो कि आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज पे के बेस पे वो करेंगे। इंटरव्यू आपका 24th of August को है एंड ये लोकेशन है वो आप डायरेक्टली जा सकते हो और कॉल भी कर सकते हो एचआर को अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कराने के लिए। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके अप्लाई जरूर करना इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप इस लोकेशन के नियर रहते हैं तो। नेक्स्ट जो हायरिंग है वो हमारी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ASE रोल के लिए है जो कि आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैनेजर ग्लोबल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रहेगा आपका। वर्क लोकेशन जो है वो चेन्नई लोकेशन है। सो प्रोडक्ट बेस पे आपको काम करवाया जाएगा, इसमें टेक्निकल स्किल्स आपकी डेवलप की जाएगी, डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको वो सब, ये आप पढ़ सकते हो क्राइटेरिया एंड इसमें अप्लाई करना का इस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आई है ये। एंड जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए है एंड फुल स्टैक डेवलपर रोल हो रहेगा आपका। इसमें फ्रेशर्स आर एलिजिबल यू कैन सी 0 to 1 years मतलब हमारा 2023 and 2024 बैच ही एलिजिबल है इसके लिए। वर्क लोकेशन विल बी योर हैदराबाद। एक्सपेक्टेड सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट इज 5 to 10 LPA। हियर इज द अप्लाई लिंक, प्रोवाइड दिस लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, यू कैन रेफर इट। सो एज यू कैन सी इट इज अ टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी बट वंस यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन दिस इंटर्नशिप और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दे विल हायर यू एज अ फुल टाइम रोल। सो दिस इज द वर्क एक्सपीरियंस दे नीड। जावा, REST APIs, JSON, MongoDB, JavaScript, HTML, CSS लाइक दिस। फ्लुएंट इन इंग्लिश, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बेनिफिट्स, फ्लेक्सीबल वर्किंग आवर्स रहते हैं इनके एंड मैनी मोर्स। यू कैन रीड एंड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी का लिंक है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो हम बात करते हैं वो है TCS का। TCS ने अपना रिजेक्शन मेल भेजना भी स्टार्ट कर दिया है एंड एज यू कैन सी रिजेक्शन मेल में उन्होंने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स बट हम आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर परफॉर्मेंस वी कुड नॉट प्रोसेस फर्दर, ऐसे करके आप अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। सो जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं गाइस, आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, टेंशन मत लो, ये तो जस्ट बिगिनिंग थी आपके लिए। एंड जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं बता दूंगा जैसे इनका इंटरव्यू हुआ था तो उसमें क्या पूछा गया आपसे गाइस, TCS के इंटरव्यू में उनसे उनके रिज्यूमे बेस पर पूछा गया था। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अपना रिज्यूमे गाइस अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो आपके जो भी आपने स्किल्स मेंशन करी होगी रिज्यूमे में, प्रोजेक्ट मेंशन किया होगा, उसमें से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वही हो रहा है हमारा, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टेक्निकल राउंड में। और आपसे हो सकता है तो एक दो कोडिंग के क्वेश्चन सामने सामने लिखवा भी सकते हैं, वो सिंपल क्वेश्चंस लाइक प्राइम नंबर का, दैट्स ऑल। एंड सेकंड हमारा जो विप्रो की तरफ से अपडेट है, विप्रो ने भी अपना आज जो है रिजेक्शन मेल भी भेजना चालू कर दिया है। सो यू कैन सी थैंक यू फॉर अप्लाइंग एंड टेकिंग योर टाइम टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन असेसमेंट फॉर विप्रो बट वी रिग्रेट दैट यू हैव नॉट क्लियर दी ऑनलाइन असेसमेंट एट दिस टाइम। सो जो आपका सवाल राउंड हुआ था वॉइस वाला, सो वो आपका क्लियर नहीं हुआ, ऐसे वो मेल भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, आप जाके चेक करना। एंड गाइस, जिसका हो चुका है उनको कंग्रेचुलेशंस की मेल आ चुकी है वॉइस असेसमेंट की। उनका आज इंटरव्यू भी था, उनको दूसरी मेल आई थी, अब जैसे उन्होंने इंटरव्यू फिनिश करा वो वाला, उनको के बाद उनको ये मेल आया कि कंग्रेचुलेशंस आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग दी वॉइस असेसमेंट। बट ये उनका ग्लिच से ये लिखा गया है, इनको पहले भी भेजना चाहिए था कि आपका टेक्निकल राउंड होगा फिर एचआर राउंड होगा, बट ये दोनों मिक्स ही हो रहे हैं गाइस, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो उन्होंने जैसे मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि ऑफ इंटरव्यू जो हुआ वो मिक्स था, बहुत एचआर एंड टीआर क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं एंड इनको एक जो है प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी दे दिया गया था प्राइम नंबर्स का। सो प्राइम नंबर क्या लॉजिक आपको लगाना पड़ा, सो टीआर क्वेश्चन भी पूछे गए एंड आप यू कैन सी इनसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वट इज SQL, एक्सिट प्रॉपर्टीज पूछ ली उनसे कि इनकी क्या क्या होती है और उसमें सम वन लाइनर एक्सप्लेनेशन एंड वट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था फाइनल ईयर में सो क्या चैलेंजेस फेस किए थे और उससे ओवरकम कैसे किया, उसको कैसे मैनेज किया, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, आर यू रेडी टू इम्प्रूव ऑल दी स्किल्स इंडिविजुअली, करना चाहेंगे कि नहीं एंड वट आर योर स्ट्रेंथ वीकनेस। अगर आपने ये पहले इंट्रोडक्शन में नहीं बोला तो वो जरूर पूछ लेंगे आपसे लेटर ऑन। एंड ये पूछा कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, वाई शुड वी हायर यू एंड ये गाइस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो इंटरव्यू की डाली थी उस
इसमें भी बताया था कि ऐसी इसी टाइप में क्वेश्चंस आएंगे, एंड ये क्वेश्चन तो सबसे मोस्टली सबसे कॉमनली आस्क किया गया है कि विलिंग हो कि नहीं रिलोकेट होने के लिए। सो आपको इसमें यस ही बोलना है, एंड बेसिक बेसिक जैसे आपने पाइथन चूज किया था तो पाइथन के बारे में उन्होंने पूछ लिया बेसिक क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आस्क करी गया है। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय।